Hunter. This is Amit and you are watching Wrestle Alive. तो कैसे हो भाई लोग, वेलकम बैक टू द रसल लाइव। और जैसा कि हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस का हील टर्न हो चुका है और ये काफ़ी सक्सेस भी है, लेकिन इस चीज़ को पहले क्यों नहीं किया WWE ने, यानी कि इतने टाइम रोमन रेंस को रोकने के बाद फाइनली हील टर्न में उतारा। इसके पीछे की स्टोरी सामने आ चुकी है, हमें WWE के राइटर से ये बात पता चलती है। तो यार स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आगे हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। बाकी हमारे ब्रॉक लेसनर के लुक लाइक पार्कर बोर्डेक्स का वीडियो पैकेज रिलीज हुआ है नेक्स्ट बिग थिंग का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी हमारे बुढ़ाओ एंड लेसी एवेंस का जो भी ये प्रेगनेंसी वाला ड्रामा चल रहा है इसके बारे में बात कर लेंगे। और क्या कीथली हो चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर से बाहर, क्या कीथली हमें कंप्लीट करते हुए नहीं दिखेंगे एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। एलेक्सा ब्लिस ने हमारे फीन के रिटर्न्स को लेकर अपडेट दिए, तो यार काफ़ी कुछ पड़ा वीडियो के अंदर, बस इसे चिपक जाओ, इसे एंड तक देखना। बाकी तुमको साइड में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे सबसे पहले मैंडिबल क्रो लगाओ और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपने ब्रॉक लेसनर के लुक लाइक पार्कर बोर्डेक्स से। अब जैसा कि अभी से कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग को बताया था कि फाइनली पार्कर को WWE ने साइन कर लिया, यानी कि ये स्टिल कॉन्ट्रैक्ट में WWE के, और इनके परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर तैयारी चल रही है एंड रिंग डेब्यू को लेकर, जो कि हमें बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो पैकेज एक रिलीज़ हो चुका है पार्कर बोर्डेक्स का, जिसमें तुम देख सकते हो बिल्कुल ये ब्रॉक लेसनर की तरह हमें देखने को मिल रहे हैं। बैकग्राउंड में लाइट्स चल रही हैं, जैसे ब्रॉक लेसनर का वीडियो पैकेज रिलीज हुआ था नेक्स्ट बिग थिंग वाला, सेम ऐसा ही हमें वीडियो पैकेज देखने को मिलता है पार्कर बोर्डेक्स का, जो कि इनके इंस्टाग्राम पे अपलोड है। यानी कि हमारे जो पार्कर बोर्डेक्स हैं देखने में तो लगते ही हैं ब्रॉक लेसनर के जैसे, लेकिन लगता है जो बचा कुचा काम है वो पूरा WWE कंप्लीट कर लेगी। यानी कि टोटली हमें ब्रॉक लेसनर जैसे देखने को मिलने वाले हैं और जल्दी हमें इनका मैच देखने को मिलेगा। ऐसे एक फ़ैन है जो कि ब्रॉन्स टमन से पूछता है इसी बारे में, उसने पूछा ब्रॉन्स टमन से क्या आप फाइट करना चाहोगे पार्कर बोर्डेक्स से रेसलमेनिया में, और ब्रॉन्स टमन यहाँ पे कहते हैं भाई लड़ तो लूँगा मैं, लेकिन क्या इसे अपने जूते का लेस तक बांधने आता है। यानी कि बहुत ही तगड़ा रिप्लाई किया यहाँ पे ब्रॉन्स टमन ने, और वो नीचे लिखते हैं आई एम द ओनली बिग थिंग, यानी कि भाई मैं खुद ही एक बहुत बड़ा थिंग हूँ। तो ऐसा कुछ तगड़ा रिप्लाई किया यहाँ पे मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन्स टमन ने। वैसे हम देखते हैं इनके बीच आगे क्या चलता है। बाकी हमारे पार्कर बोर्डेक्स का हमें जल्दी कोई ना कोई मैच देखने को मिल जाएगा। बाकी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है कीथली के इंजरी से। तो जैसा कि आपको पता है हमें ये वाला मैच देखने को मिलने वाला था बॉबी लेसली वर्सेस रिडल वर्सेस कीथली का, लेकिन इस हफ्ते हमें कीथली कहीं भी देखने को नहीं मिलते मंडे नाइट रॉ पे, यानी कि यहाँ पे सिर्फ रिडल ही हमें देखने को मिलते हैं और रिडल का मैच था। बॉबी लेसली यहाँ पे आके निचोड़ने वाला क्या नाम है इसका हॉट लॉक लगा देते हैं रिडल को, और फाइनली यहाँ पे कीथली का कोई यथा पता नहीं था। तो इस चीज़ को लेकर बैक स्टेज अपडेट आ रही है कि कीथली को इंजरी हो चुकी है, यानी कि कीथली इंजर्ड हो चुके हैं और शायद वो हमें कंप्लीट करते हुए नहीं दिखेंगे एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। अब देखा जाए तो यार कीथली का कुछ खास चल नहीं रहा है, क्योंकि उनको अभी रॉयल रंबल को भी छोड़ना पड़ गया था, क्योंकि इनकी मियाँ एम जो वाइफ हैं वो कोविड के लिए पॉजिटिव थे, इसलिए इनको भी भाई रॉयल रंबल के अंदर नहीं आने दिया गया। और इसके बाद अभी एलिमिनेशन चैम्बर है और इसमें भी इंजरी आ चुकी है इनको। वैसे बैक स्टेज से हमें ये भी पता चलता है कि जो कीथली को इंजरी आई है वो बहुत बड़ी नहीं है, यानी कि इससे जल्दी रिकवर कर सकते हैं कीथली। तो लेट्स सी, हम देखते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं या नहीं, या फिर सिर्फ बॉबी लेसली या रिडल का ही मैच होगा। बाकी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी हमारे बुढ़ाओ रिक फ्लेयर एंड लेसी एवेंस से। तो जैसा कि हम बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर हमें सुनने को मिलता है मंडे नाइट रॉक के ऊपर कि लेसी एवेंस प्रेग्नेंट हो चुके हैं, वो भी हमारे बुढ़ाओ रिक फ्लेयर से। तो यार ये काफ़ी कह सकते हो फनी और काफ़ी मतलब अजीब सी एक स्टोरी होती है, जब भी ऐसा कुछ आता है सीन या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बिल्कुल अजीब सा होता है, सरप्राइजिंग बिल्कुल, भले कैसी भी स्टोरी लाइन हो, लेकिन इसके लिए हाइप तो जरूर भी बनती है चाहे वो कैसे भी हो। ये चीज़ काफ़ी सोशल मीडिया पे पॉपुलर चल रही है, यानी कि काफ़ी सर्चेबल टॉपिक बन चुका है ये चीज़, और ये काम जो हो रहा है मतलब ये जो भी हमें सुनने को मिला है भाई ये प्रेगनेंसी वाला ये अपडेट तो सच्ची है, लेकिन ये इसके पीछे हमारे बुढ़ाऊ का कोई हाथ नहीं, यानी कि बुढ़ाऊ ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बुढ़ाऊ कुछ कर भी नहीं पाएंगे, उनकी एज कहाँ 70 है यार, वो क्या कर पाएगा। यहाँ पे लेसी एवेंस के हस्बैंड का कमाल है और फाइनली इन्होंने प्लान किया था इस चीज़ को, इनकी काफ़ी अच्छी फैमिली है, तुमको पता ही होगा लेसी एवेंस को अगर तुम फॉलो करते हो तो यार इसमें कोई भी मतलब हमारे बुढ़ाऊ की गलती नहीं है, बुढ़ाऊ सिर्फ एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। बाकी ये रियलिटी है कि यहाँ पे लेसी एवेंस प्रेग्नेंट है, लेकिन उनके भाई खुद के प्लान है वो, बाकी स्टोरी लाइन चल रही तो भाई इसको भी इसमें मिक्स कर दिया गया है, और यही बात थी जो कि यार क्लियर हो चुकी है। तुम लोग फाइनली इस चीज़ का हाइप बनाना बंद करो और हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी हमारी द गॉर्जियस एलेक्सा ब्लिस या फिर कह लो रैंडी ऑर्टन वर्सेस द फीन्ड से।
अब जैसा कि फिंड का कोई अता पता तो है नहीं, लेकिन हमारी जो अलेक्सा ब्लिस हैं वो हमें शो के ऊपर देखने को मिलती हैं मंडे नाइट रॉ पे, और उनका जो दिया वाला सीन था और भी जो चक्र पे बैठी थी काला जादू टाइप चल रहा था, तो जो भी चल रहा था फाइनली इसके बाद अलेक्सा ब्लिस का रिएक्शन आ चुका है। तुम देख सकते हो ट्विटर पे अलेक्सा ब्लिस ने यहाँ पे लिखा है कि द फिंड ब्रेवाइट को भले ही रैंडी ऑर्टन ने चला दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इसके बाद भी फिंड वापस होंगे, उनका भाई फ्यूचर में एक नया जन्म, मतलब फिर नया जन्म होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे अलेक्सा ब्लिस लिखती हैं ट्विटर पे। यानी कि अलेक्सा ब्लिस ने क्लियर कर दिया कि फाइनली हमें जो नए वाले फिंड देखने को मिलेंगे, यानी कि जो भी नया वाला फिंड होगा वो बिल्कुल अलग होगा पुराने वाले से, और हो सकता है देखो जिस तरीके से इतना टाइम लग रहा फिंड की वापसी करने में, उनके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है बैक स्टेज, यानी कि कुछ ना कुछ तो भाई तगड़ा प्लानिंग चल रही है फिंड को लेकर, और हमें फिंड अब जब भी देखने को मिलेंगे हो सकता है इनका पहले से भी ज़्यादा हमें डेंजरस कैरेक्टर देखने को मिले फिंड का। और फाइनली रेसलमेनिया के लिए तो तुम साइन कर यानी कि बुक कर ही सकते हो फिंड वर्सेस रैंडी ऑर्टन का, और जैसा कि मैंने कहा था इस बीच रैंडी ऑर्टन चैंपियन भी बन सकते हैं, हो सकता है एलिमिनेशन चैम्बर में ही चैंपियन बन जाए क्योंकि ऑब्वियसली मैच फिक्स हो चुका है, और जैसा कि अगर रैंडी ऑर्टन चैंपियन बन जाते हैं तो फिंड का काफ़ी अच्छा मैच होगा इनका रेसलमेनिया के अंदर। अगर चैंपियन नहीं भी बनते हैं रैंडी ऑर्टन तब भी हमें फिंड वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच तो देखने को मिलेगा ही। सो लेट्स सी भाई क्या होता है रेसलमेनिया के अंदर, चैंपियनशिप मैच होगा या फिर नॉन टाइटल मैच होगा। बाकी मैं चलता हूँ अपने अगली स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी है मिस से। तो जैसा कि हमें मंडे नाइट रॉ के ऊपर मिस देखने को मिले थे, मिस टीवी देखने को मिला था, ड्रू मैकइंटायर भाई हमेशा की तरह मिस की क्लास लगाते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद मिस का हमें फाइनली वो वाला कैरेक्टर देखने को मिला था जो कि हम काफ़ी टाइम से देखना चाह रहे हैं। मिस को फाइनली हमें कॉन्फिडेंट देखने को मिला था मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के साथ। फाइनली मिस ने कहा था कि भाई मेरे पास तो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे किसी भी अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है, फाइनली मैं जब चाहूँ उसे कैश इन कर सकता हूँ। और हाल ही में मिस ने इंटरव्यू में कह दिया कि फाइनली उनके जो कैश इन का डेट है वो काफ़ी नज़दीक है, यानी कि बहुत जल्दी कैश इन करने वाले हैं मिस, और हो सकता है वो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर कर दें या फिर मंडे नाइट रॉ में या फिर फास्ट लेन में, यानी कि ऐसा कोई डेट तो नहीं बताया मिस ने, लेकिन फाइनली उन्होंने ये कह दिया कि वो बहुत जल्दी कैश इन करने वाले हैं। वैसे लेट्स हम देखते हैं कौन से चैंपियन के ऊपर करते हैं मिस। बाकी मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस से। तो जैसा कि हमारे जो रोमन रेंस से पहले बिग डॉग हुआ करते थे वो फाइनली ट्रैवल चीफ हो चुके हैं, यानी कि इनका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल हील हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से हमें रोमन रेंस देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल कह सकते हो ग्रेट एक्टिंग होती है रोमन रेंस की, यानी कि जो भी इनको कैरेक्टर दिया गया उसको बिल्कुल अच्छे से दिखाते हैं रोमन रेंस। अब आते हैं भाई क्यों अब तक नहीं किया था WWE ने, क्या इसके पीछे स्टोरी है। तो फाइनली WWE के राइटर ने बताया कि भाई जब भी वो मिस्टर मैकमैन के पास जाते थे वाली बात लेकर कि फाइनली अब रोमन रेंस के कैरेक्टर को चेंज कर दिया जाए और रोमन रेंस को भी हील कर देना चाहिए हम लोग को, लेकिन उस टाइम मिस्टर मैकमैन कहते हैं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, रोमन रेंस तो मुझे हील नहीं चाहिए बल्कि वो हमेशा से हमें फेस ही चाहिए, क्योंकि फेस सुपरस्टार को हम देखते हैं कि पब्लिक काफ़ी चेयर करती है, और फाइनली उस टाइम रोमन रेंस का जो भी पॉपुलराइजेशन था वो फेस कैरेक्टर की वजह से ही था, यानी कि कह सकते हैं कुल मिला के उस टाइम बिल्कुल सुटेबल था रोमन रेंस के लिए फेस, लेकिन जैसे ही भाई WWE की मार्केटिंग डाउन होने लगी रोमन रेंस का कैरेक्टर बिल्कुल ख़राब सा लगने लगा ऑडियंस को बोरिंग टाइप, तब जाके मिस्टर मैकमैन से फाइनली खुद ही रोमन रेंस ने कहा भाई अब तो कुछ कर दे मेरे साथ, मतलब फाइनली माफ़ कर दे मुझे, कितना भाई फेस बना के रखेगा। तब जाके हमारे मिस्टर मैकमैन को लगा नहीं रोमन रेंस सही कह रहा, क्योंकि उस टाइम WWE की जो रेटिंग्स थी या फिर जो भी कह लो ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी बेकार हो गई थी WWE के लिए, तब जाके फाइनली मिस्टर मैकमैन को लगा कि नहीं अब रोमन रेंस को हील बना देना चाहिए, यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर देना चाहिए जिससे ऑडियंस हमारी जो भागते जा रही है फाइनली एक बार वापस आ जाए। तो यार जैसा कि हमारे रोमन रेंस अब हील हमें देखने को मिलते हैं समर स्लैम के अंदर हमें देखने को मिले थे, उसी टाइम से भाई ऑडियंस ने बिल्कुल नए रोमन रेंस को देखा, तब जाके फाइनली ऑडियंस का रिटेंशन काफ़ी अच्छा हो गया। और जैसा कि हम बहुत अच्छे जानते हैं भले ही रिंग के अंदर रोमन रेंस को बूम मिलता है, लेकिन फाइनली जो दिल से सपोर्ट करती है ऑडियंस वो रोमन रेंस को ही करती है, क्योंकि वो जानती है रोमन रेंस नहीं हारेंगे। तो ये कुछ स्टोरी थी इनके हील टर्न के पीछे की जो कि मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दी। अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और साइड में तुमको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे और भी लाल कर दो, और लाल से सफ़ेद हो जाना चाहिए यानी कि सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, बाकी कल मिलते हैं।